हेलो स्टूडेंट, कल थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ था, इस वजह से कल मैंने क्लास नहीं रखा था। आज कोई वैसी प्रॉब्लम होगी नहीं, तो आज स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने एक क्वेश्चन आपको दिया था बनाने के लिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और वो क्वेश्चन ये था कि fn की वैल्यू फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल एन माइनस वन प्लस फैक्टोरियल एन माइनस टू, इस तरीके से फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल वन तक जा रहा था, ठीक है ना? ऐसा जा रहा था। और एक पॉलिनोमियल इसमें सच दैट ये एक कंडीशन दे रखा था, एफ एन प्लस टू इज इक्वल टू पी एन एफ एन प्लस वन एंड प्लस क्यू एन एंड एफ एन। फॉर ऑल एन की वैल्यू वन से बड़ी थी या वन के बराबर थी, तो हमें पॉलिनोमियल पी एन एंड पॉलिनोमियल क्यू एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है? बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। इस तरीके का क्वेश्चंस लाइक जेई में पूछ सकता है, या इस तरीके के क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए और सोचने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि हम किस ऑर्डर में इसको सोचे कि क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो जाए। ये पी एन एंड एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो देखो, हम लोग करेंगे क्या, ये मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को करने के लिए कि घर पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा कि क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या प्रोसीजर यूज हो सकता है। तो देखो, यहाँ पे एन प्लस टू है, यहाँ पे एन प्लस वन है और यहाँ पे एन है, तो इसी से हम लोग कुछ खेल खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एफ एन की वैल्यू हमारी गिवन है। तो एफ एन जो हमारा दिया हुआ है उसे आप लिख लो, फैक्टोरियल वन, फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन फैक्टोरियल एन। अब एन को रिप्लेस करते हैं एन प्लस वन पे, तो ये बन जाएगा आपका एफ एन प्लस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल वन प्लस फैक्टोरियल टू प्लस फैक्टोरियल एन एंड प्लस फैक्टोरियल एन प्लस वन, ये बन गया आपका। अब देखो, तो यहां से लेकर यहां तक ये तो क्वेश्चन है तुम्हारा, इसको इसे इस डायरेक्शन में लेकर के जाइएगा एलएचएस की तरफ, तो ये हो जाएगा एफ एन और ये बन जाएगा हमारा एन प्लस वन का फैक्टोरियल। इसे एक रिलेशन सपोज कर लो। और नाउ अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे चल करके देखते हैं कि अगर एन को रिप्लेस कर दो एन प्लस टू में, एन प्लस टू में, तो एफ एन प्लस टू की वैल्यू जो हो जाएगी, एफ एन प्लस टू की, ये आ जाएगी फैक्टोरियल वन प्लस फैक्टोरियल टू और प्लस इस तरीके से फैक्टोरियल एन प्लस एन प्लस वन पे फैक्टोरियल एंड एन प्लस टू पे फैक्टोरियल आ जाएगा ये। तो यहां से लेकर यहां तक के ऑर्डर को आप लिख सकते हैं, यहां से एफ एन प्लस टू इज इक्वल टू एफ एन प्लस वन एंड प्लस एन प्लस टू पे फैक्टोरियल। अब देखो, इस वाले से थोड़ा सा हम लोग गेम खेलते हैं। ये जो फैक्टोरियल दे रखा है इसको आप अगर ब्रेक करते हो, एन प्लस टू है ये, और इसे हम लोग एन प्लस वन अगर लिखते हैं, तो देखो ये वाली की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में दे रखी है। यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पे एफ एन प्लस टू इज इक्वल टू एफ एन प्लस वन प्लस एन प्लस टू एंड ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट से एफ एन प्लस वन माइनस एफ एन, ठीक है?
इसको कुछ कीजिए, देखो n प्लस टू टाइम्स है यहाँ पे और ये a वन टाइम है ये, तो यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं f n प्लस वन, अगर आप कॉमन ले लेते हो तो बच जाएगा n प्लस टू प्लस वन, और यहाँ पे आ जाएगा f ये वाला टर्म, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इससे अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो ये बन जाएगा n प्लस टू ब्रैकेट में n प्लस टू टाइम्स ऑफ एफ एन। नाउ यहाँ पे इस वाले कंडीशन को n प्लस थ्री लिख दीजिए, और n प्लस थ्री के केस में अब आप आगे जाइए, तो आगे जब आप चलेंगे तो देखिए ये बन जाएगा अब f n प्लस वन, क्लियर है। एंड नाउ थोड़ा और हम लोग आगे चलते हैं और इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो ये n प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस है ये f n एंड n प्लस टू। अब देखो तो इस वाले जो कंडीशन हमारे दी हुई थी, ये जो निकालना था हमें, ये चीज आप देखिए और बताओ कि यहाँ पे पी एन के साथ ये फंक्शन है और यहाँ पे पी एन के साथ यही फंक्शन दे रखा है एफ एन प्लस वन, एंड नाउ क्यू एन के साथ, क्यू एन यहाँ पे पॉजिटिव है, तो एक स्टेप आप आगे लिख दीजिए यहाँ पे और ये हो जाएगा एफ एन प्लस वन, माइनस से इसको प्लस अगर करोगे तो ये एफ एन के साथ माइनस एन माइनस टू बन जाएगा। अब आप कंपेयर करो जो दिया हुआ रिजल्ट था, ये रिजल्ट दिया हुआ था हमें पी एन पॉलिनोमियल और क्यू एन पॉलिनोमियल निकालना था, बड़ा अच्छा सवाल है ये। अब पॉलिनोमियल जो निकालना है तो देखो ये पी एन के प्लेस पे पी एन जो है एन प्लस थ्री हो जाएगा और क्यू एन जो होगा माइनस एन माइनस टू। देखो तुमने जो लिखा था पी एक्स, पी एक्स के टर्म में, तो जब ये फंक्शन है तो ये पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एंड ये पी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू, ये निकल कर आ गया हमारा रिजल्ट। बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं था और बहुत ज्यादा टफ भी क्वेश्चन नहीं था। देखो ये फंक्शन हमारा दिया हुआ था एफ एन इज इक्वल टू दिस लाइक वन का फैक्टोरियल है ये, इसी तरीके से ये टू पे फैक्टोरियल है, थ्री पे फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल एन तक गया ये। हमने एन को एन प्लस वन पे रिप्लेस किया और रिजल्ट के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने आगे बढ़ाया और आगे जब हमने खींचा इसे तो इसकी इस पूरे की वैल्यू एफ एन है, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया इधर और एक इक्वेशन निकल कर आ गया हमारा। एंड नाउ एन प्लस टू हमने रिप्लेस किया और एन प्लस टू रिप्लेस करने के बाद रिजल्ट हमारा ये बन कर के आ गया और यहाँ से इस n प्लस वन के प्लेस पे ये इक्वेशन फर्स्ट का हमने यूज किया। इक्वेशन फर्स्ट को जब हमने यहाँ पे लिखा तो डायरेक्ट सॉल्व करने पे ये फॉर्मेट हमारा बन गया एफ एन प्लस टू इज इक्वल टू दिस वन, और यहाँ से हमने कंपेयर करके पी एन एंड क्यू एन की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है, बात समझ में आई होगी आपको। थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग, और जो टॉपिक हमारा चल रहा था बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था, बाइनोमियल के सीरीज पे टॉपिक चल रहा था और उस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे हम लोग चलते हैं कि वो टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, और चल भी रहा था, कुछ क्वेश्चन ही चल रहा था हम लोगों का, उसको थोड़ा और आगे लेकर के चलते, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं कि उस बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चन। देखो आईआईटी एडवांस में तो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी टाइप के आते हैं, बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको हमने
करवाया है। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। जो रनिंग टॉपिक हमारा था वो था समेशन आर इज इक्वल टू जीरो से एन है ये, माइनस वन पे पावर आर है और एन सी आर डिवीजन में आर प्लस थ्री सी आर दे रखा है ये, और इसकी वैल्यू बोल रहा है के वन अपॉन एन प्लस के टू है ये। तो के वन प्लस के टू की वैल्यू क्या दे रखी है? देखो ऑप्शन में जो दिया हुआ है के वन ग्रेटर देन के टू, के वन ग्रेटर देन के टू, के वन इज इक्वल टू के टू, के वन प्लस के टू इज इक्वल टू सिक्स, के वन लेस देन के टू। देखो इसमें मल्टीपल करेक्ट चॉइस है, मल्टीपल करेक्ट आंसर है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं तो हमें किस तरीके से सोचना होगा, हमें करना किस बेसिस पे होगा और हमें किस तरीके से हम इसके लॉजिक तक जा सकते हैं। तो देखो कोई भी रिजल्ट तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, लेकिन हमने छोटे छोटे रिजल्ट्स हम लिखे थे जो आप लोग जानते हो। इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, ये जो है इसको हम लोग ब्रेक करके देखते हैं कि ये वैल्यू क्या निकल कर आती है। तो माइनस वन पे पावर आर है ये और फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर, एन माइनस आर की वैल्यू है और डिनोमिनेटर में है फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल थ्री डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू आ जाएगी आर प्लस थ्री पे फैक्टोरियल। देखो यहाँ से ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रहे हैं, आप लिख लीजिए माइनस वन पे पावर आर है, जो वैल्यू निकल कर आई है उसे आप यहाँ पे लिख लो। तो देखो कुछ ना कुछ बनेगा यहाँ पे, एन माइनस आर हो गया इनटू आगे चलिए तो आप देखिएगा ऊपर में कुछ नहीं बच रहा है, डिनोमिनेटर में है आर प्लस थ्री, आर प्लस थ्री ही है ना। नौ देखिए तो हम लोग जो कॉम्बिनेशन का रिजल्ट लगाते हैं तो उसमें कुछ देखते हैं, क्या देखते हैं कि इन दोनों का जो समेशन होता है वो ऊपर का फैक्टोरियल बनना चाहिए। तो n माइनस आर और यहाँ पे है n प्लस थ्री, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, n प्लस थ्री आना चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग कुछ इस तरीके से लिख देंगे, ये n प्लस थ्री पे फैक्टोरियल तब होगा जब हमें नीचे में डिनोमिनेटर में n प्लस वन n प्लस टू n प्लस थ्री करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, n प्लस वन n प्लस टू n प्लस थ्री से करेंगे तो n प्लस थ्री आ जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन दोनों को डिनोमिनेटर को आप ऐड करो तो n प्लस थ्री आ रहा है और ये हो जाएगा n माइनस आर और ये है r प्लस थ्री, डिनोमिनेटर में जो है r प्लस थ्री। अब देखिए यहां से लेकर ये जो है कॉम्बिनेशन का एक जो फॉर्मेट होता है कॉम्बिनेशन में वो क्या बनता है, माइनस वन टू दी पावर आर इनटू ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री इनटू ये बन जाएगा आपका एन प्लस थ्री सी आर प्लस एन प्लस थ्री सी आर प्लस थ्री, ठीक है, R प्लस थ्री। इस पूरे को हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब देखो इसके साथ एक टर्म और था कि ये R प्लस थ्री है ये, है ना। तो ये है R प्लस थ्री और यहाँ पे पावर है माइनस वन टू दी पावर R। तो इसकी जो रिजल्ट है ये वाली जो पावर है इसको भी आर प्लस थ्री तक हमें लिखना जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये जितने टर्म तक जाएगा उतने टर्म तक अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। जब आर की वैल्यू
इवन नंबर आएगी तो ये पॉजिटिव होगा, और आर की वैल्यू ऑड आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग इसे लिख लेते हैं, यहाँ पे ये फैक्टोरियल थ्री भी था, ये फैक्टोरियल थ्री आप लिखते जाइए, यहाँ पे भी फैक्टोरियल थ्री आपको लिखने होंगे, फैक्टोरियल थ्री एक यहाँ पे भी आप लिख लीजिए, फैक्टोरियल थ्री ये है सिक्स। अगर इसको नेगेटिव सिक्स लिखते हो आप एन प्लस वन, देखो टर्म छूटने नहीं चाहिए कोई से भी, एन प्लस थ्री हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया है, उसका वैसा क्यों किया वो आप देख लीजिए, एन प्लस थ्री सी आर प्लस थ्री है ये, है ना। इसको हमने क्या किया, माइनस वन पे पावर आर प्लस थ्री अगर लिख दिया तो ये माइनस जो है इसे हमने क्या किया, टू टाइम्स इंक्रीज किया, ये वन था, थ्री टाइम्स अगर बढ़ाएंगे तो थ्री नेगेटिव 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 माइनस नेगेटिव पे पावर थ्री कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव दिया आर प्लस थ्री और ये आर प्लस थ्री। अब देखो सिग्मा जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक है, आर की वैल्यू जीरो से लेकर एन तक है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अब इसे सिग्मा का फॉर्मेट बनाइए, ये वाली वैल्यू जैसे है वैसे ही हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, माइनस सिक्स एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री, और आगे हम लोगों का आ जाएगा, देखो आर की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये थ्री से स्टार्ट हो रहा है, तो एक चीज ध्यान देना है कि ये थ्री से जब स्टार्ट हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा थ्री, और नेगेटिव वैल्यू ये नेगेटिव पे पावर जीरो माइनस तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और अब अल्टरनेट आएगा सी फोर माइनस एन प्लस थ्री सी फाइव एंड गोइंग ऑन इस तरीके से प्लस माइनस वन पे पावर एन, और ये हो जाएगा एन प्लस थ्री सी एन प्लस थ्री। देखो यहाँ सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों सेम आ रहा है लेकिन ये सीरीज कंप्लीट नहीं है, तो जब सीरीज कंप्लीट नहीं होता तो हम उसे क्या करेंगे, कंप्लीट बनाएंगे। यहाँ पे जो वैल्यू ऐड होगा उसको हम लोग लिख लेते हैं, एन प्लस थ्री सी जीरो माइनस एन प्लस थ्री सी वन प्लस एन प्लस थ्री सी टू, ये वन है, ठीक है। तो इसे जब आपने ऐड करा तो इतना इसी टर्म को आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो इसे आप सब्ट्रैक्शन भी दे दीजिए, और जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा इस टर्म के बाद तो ये नेगेटिव में एन प्लस थ्री सी जीरो प्लस एन प्लस थ्री सी वन और माइनस एन प्लस थ्री सी टू। तो देखो ये पूरी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये जो एडिशन है यहाँ तक ये वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इसे ये। तो अब आगे चलते हैं हम लोग, माइनस सिक्स अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जब आप आइएगा तो देखिए ये बच जाएगा हमारा वन, माइनस में ये माइनस का वन है और ये प्लस में एन प्लस थ्री हो जाएगा ये, और ये माइनस में एन प्लस थ्री एन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू। यहां से ये वाला टर्म हो जाएगा एन प्लस टू, और n प्लस टू कॉमन लेकर के इसको आप कैंसिल आउट कर दो। जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए आगे क्या बनेगा, हम लोग इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो
चलिए देखते हैं यहाँ पे, अब ये माइनस सिक्स अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री आ गया, एंड नाउ ये वैल्यू जो हो जाएगा एन प्लस टू से एन प्लस टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद ये हम मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे बच जाएगा वन माइनस एन प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू। अब ये एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद कैंसिल आउट कीजिए, कैंसिल आउट करने के बाद ये बन जाएगा ये हो जाएगा थ्री अपॉन एन प्लस थ्री। तो देखो ये इक्वेशन के सॉल्यूशन निकल कर आ गए हमारे। अब यहाँ पे लैम्डा वन मतलब के वन, के वन है हमारा थ्री और के टू भी है थ्री, तो ऑप्शन में एक था के वन इज इक्वल टू के टू और एक है के वन प्लस के टू इज इक्वल टू सिक्स। देखो हमने कुछ नहीं किया, आप इतना तो रिजल्ट करोगे ही, इसको करने के बाद इसे करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इस वैल्यू को समेशन लगाया, समेशन के साथ जो सीरीज में हमें कमी दिखे थे वो सीरीज को हमने यहाँ पे ऐड किया, और कुछ सीरीज को हमने जो ऐड किया उसी को हमने सब्ट्रैक्ट किया। वैल्यू इस पूरे की जीरो होती है और जो सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू थी उसे हमने लिख लिया, और लिखने के बाद हमने सॉल्व किया और रिजल्ट हमारे पास है। देखो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था और लेंदी भी नहीं था, आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन लेंदी था और कुछ, थोड़ा सा जल्दी 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 हमें काम करना होगा क्योंकि सारा फॉर्मेट हमें पता है। चलिए अब कुछ नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग। लिखते हैं एग्जाम्पल सेकेंड, थोड़ा फास्ट करेंगे। सिग्मा आर इज इक्वल टू जीरो से 50 दे रखा है, 50 माइनस वन टू द पावर आर 50 सी आर डिवाइडेड बाई आर प्लस टू है, ध्यान दीजिएगा वन अपॉन के वन इंटू के टू, तो के वन प्लस के टू की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो जब ये वैल्यू आती है तो हम लोग बहुत ज्यादा सॉल्व, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को बस जल्दी से जल्दी काम करना होता है, तो जल्दी काम करने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा कि इसे हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं जो रिजल्ट हमें पता है। तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग माइनस वन टू द पावर आर 50 पे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल आर 50 माइनस आर पे फैक्टोरियल इंटू वन अपॉन आर प्लस टू है। देखो आर प्लस टू है यहाँ फैक्टोरियल आर, बीच में एक गैप आ रहा है, आर प्लस वन से मल्टीप्लाई आर प्लस वन से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा क्या 50 फैक्टोरियल डिवीजन में, ये टोटल हो जाएगा 50 माइनस आर का फैक्टोरियल एंड आर प्लस टू पे फैक्टोरियल बन जाएगा, ये क्लियर है। अब जब ये फैक्टोरियल बन गया तो हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा इन दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद आप देख रहे हो कि कितना आना चाहिए 52 बन रहा है, तो इसे 52 फैक्टोरियल करने के लिए हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया था, इसे 51 इंटू 52 कर दो, और ये 50 माइनस आर का फैक्टोरियल एंड आर प्लस टू का फैक्टोरियल लिख सकते हो। अब इन पूरे को कॉम्बिनेशन का रिजल्ट लगा दीजिए, कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो हो जाएगा माइनस वन पे पावर आर 51 इंटू 52, और ये 52 सी, ऊपर में हमारे पास r प्लस वन भी है, कोई भी टर्म छूटने नहीं चाहिए, ये r प्लस वन है, यहाँ पे स्पेस नहीं था हमने लिखना पड़ा, ये पूरा जो है हमारा हो जाएगा r प्लस टू इंटू
आर प्लस वन, ठीक है। चलिए ये स्टम को अब हम लोग को थोड़ा देखना है, इसे हमें देखना है। तो क्या देखोगे आप ऐसा कीजिए कि माइनस वन पे पावर आर है ये, और डिनोमिनेटर में 51 इंटू 52 है। इसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस काफी किए थे, इस आर प्लस वन को रिमूव करना। तो रिमूव करने का तरीका क्या हो जाएगा, हम लोगों ने पिछले बार में बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के किए थे, 52 सी आर प्लस टू, हम लोगों को ये सेम बनाना होता है। क्योंकि माइनस ये आर प्लस टू को रिमूव करने की कोशिश करना है हमें। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, आर प्लस टू इंटू 52 सी आर प्लस टू माइनस 52 सी आर प्लस टू। नौ ये और ये दोनों सेम हो जाता है तो रिजल्ट हमें पता है, वो हम लोग रिजल्ट लगा देंगे। और रिजल्ट लगाने के बाद थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर लेंगे, 51 इंटू 52 और ये हो जाएगा रिजल्ट 52, और ये एक कम हो जाता है 51, और ये भी एक कम हो जाता है 51 माइनस 52 सी आर प्लस टू। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो चलिए करते हैं, ये 52 से 52 कैंसिल आउट कर दो, ये 1 अपॉन 51 हो जाएगा ये, और यहाँ पे आएगा 51 सी आर प्लस 1। और देखो माइनस 1 पे पावर फिर क्या है, r है, तो r प्लस 1 इसे कर दीजिए। r प्लस 1 करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इसको बंद कर लीजिए। अब इन दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 1 अपॉन 51 इंटू 52 एंड 52 सी आर प्लस 2, और यहाँ पे माइनस 1 पे आर प्लस 2 करना पड़ेगा। देखो आर प्लस 2 है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव पे पावर आर प्लस 2 हमने किया, नेगेटिव पे स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साइन में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, r नेगेटिव 1 पे एक पावर बढ़ाया था तो नेगेटिव बाहर कर दिया था। अब सिग्मा हम लोग लेंगे, सिग्मा यहाँ पे भी लेंगे और सिग्मा हम लोग यहाँ पे भी लेंगे, और सिग्मा की वैल्यू 0 से लेकर 50 तक है, 0 से लेकर 50 तक है। तो आप 0 जब लोगे तो ये 1 हो जाएगा हमारा, है ना। तो थोड़ा ध्यान, थोड़ा सा माइंड में भी काम करना है, माइनस वन अपॉन 51, सिग्मा 0 रखोगे तो 0 पे नेगेटिव वाला टर्म आ जाएगा 51 सी वन प्लस 51 सी टू माइनस, इस तरीके का टर्म जाएगा हमारा। और माइनस वन अपॉन 51 52, यहाँ पे जब 0 लोगे तो 2 से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव साइन के साथ, तो 52 सी टू और माइनस 52 सी थ्री प्लस, इस तरीके का जाएगा। तो देखो ये सीरीज हमारा कंप्लीट नहीं है, दिख रहा है हमारे पास कौन सा सीरीज यहाँ पे नहीं है, तो वो हम लोग देख लेंगे। वो है हमारे पास यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो 51 सी जीरो नहीं है, और यहाँ पे 51 सी जीरो कर देंगे। यहाँ पे भी कंप्लीट सीरीज नहीं है हमारे पास, तो जब कंप्लीट सीरीज नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 50 यहाँ पे सीरीज जब कंप्लीट नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखो दो टर्म हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, दो टर्म क्या हो जाएगा, 52 सी जीरो माइनस 52 सी वन, ठीक है। तो ये इसी टर्म से हम लोग को यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा, 52 सी जीरो प्लस 52 सी वन, तो ये पूरा टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म। यहाँ पे पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, बच जाएगा ओनली दिस टर्म। तो हम लोग चलते हैं आगे और आगे सॉल्यूशन बढ़ाएंगे, 1 अपॉन 0 माइनस 1
एंड माइनस माइनस 1/51 इंटू 52। आगे चलिएगा तो बन जाएगा यहाँ पे 0 माइनस का 1 और ये प्लस का 52। तो दिस वन इज 51 से 51 कैंसिल करो, अब बन जाएगा ये हम लोग कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखते हैं 1/51 माइनस 1/52, दैट इज 1/51 इंटू 52। तो ये K1 और K2 की वैल्यू निकल कर आ गई, K1 एंड K2, K1 है हमारा 51 एंड K2 है हमारा 52। बहुत बढ़िया सवाल था, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग चलते। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने क्या किया है, इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किया था सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद डिनोमिनेटर को ऐड किया, डिनोमिनेटर को ऐड करने के बाद जितने हमारे टर्म्स होने चाहिए उतने टर्म्स से डिवाइड मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहाँ पे ये भी रूल हमने अप्लाई किया है, ठीक है ना, ये रूल हमने अप्लाई किया है कि अगर आर एन सी आर होगा तो एन आर माइनस वन एन टाइम्स ऑफ एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये वाला रूल हमने अप्लाई किया जो इससे पहले भी क्वेश्चन में हमने किया था, और उसके अकॉर्डिंग इसको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद ये वैल्यू पुट किया, और वैल्यू पुट करने के बाद देखो सिग्मा लगाने के बाद हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली ये वर्ड आ जाने चाहिए कि क्या ऐड करना है, सीरीज हमारी कंप्लीट है या नहीं है। ये तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि R की वैल्यू 0 है, तो 0 है तो यहाँ पे R की वैल्यू 0 पुट करने पे 1 आएगा, इसका मतलब कंप्लीट सीरीज नहीं है। तो 0 से सीरीज कंप्लीट होता तो 0 वाला टर्म ऐड करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव साइन अगर है तो। अगर ये ऑल्टरनेटिव साइन नहीं है तो वैल्यू 2 पे पावर n होता है, 2 पे पावर दिस 1 हो जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और एक बहुत अच्छा सवाल करते हैं जो मल्टी कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्वेश्चन है हमारे। एग्जांपल लेते हैं 3 नंबर, मुझे K1 प्लस K2 की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है कि क्वेश्चन इतना टफ कैसे होगा और क्वेश्चन टफ है क्या। देखो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि क्वेश्चन अगर टफ भी है तो वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और अगर कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन बनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एनसीएम है, एमसीपी है, इसकी वैल्यू K1 पे पावर n माइनस K2 पे पावर n। एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए, सिग्मा डबल सिग्मा है, हम लोगों ने सिंगल सिग्मा के लिए केसेस पढ़े हैं, लेकिन इसमें सीखना क्या है आपको, आप क्या सीखना चाहते हैं, इसमें क्या आप सीखेंगे। तो देखिए मैं बताता हूँ, इसमें सीखने की चीज ये है कि m की वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे p की वैल्यू वैरी कर रही है, p की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है। तो यहाँ पे जब m वैरी कर रहा है तो m जो है कॉन्स्टेंट नहीं होगा, तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट का काम करेंगे और इस ब्रैकेट में से इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, एक सिग्मा लेकर चलते हैं और इसे पहले ब्रेक करके देखते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है, हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो मुझे अभी तक हम लोगों ने जो काम किया है कि जब इस तरीके का पैटर्न बने और कुछ रिजल्ट नहीं बन रहा है तो हम लोग करेंगे क्या कि इसे ब्रेक करते हैं। जब ब्रेक करोगे तो फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल m एंड n माइनस m पे फैक्टोरियल आ जाएगा,
इनटू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल पी इनटू एम माइनस पी पे फैक्टोरियल हो जाएगा ये, ठीक है। ये और ये कैंसिल कर देते हैं, जब कैंसिल करते हैं तो देखो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। n और p, n एंड p जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, m वेरिएबल है, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि सिग्मा p इज इक्वल टू 1 से n है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल p, बाहर ले लो इसे, और सिग्मा m वेरिएबल है हमारा, m p से लेकर n तक है, और जो बचे टर्म उसे आप लिख दीजिए। तो जो बचे हुए टर्म है वो टर्म क्या है, उसे हम लोग अगर लिखते हैं तो देखो, वन अपॉन एन माइनस एम पे फैक्टोरियल है और एम माइनस पी पे फैक्टोरियल है। अगर एन माइनस पी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते, देखो इन दोनों को आप ऐड करो, तो ऐड करोगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, n माइनस p बच जाएगा, तो ऊपर में न्यूमरेटर में m n माइनस p के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डिवीजन में क्योंकि कांस्टेंट है तो n माइनस p को आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो कितना सोचा गया है क्वेश्चन में, आपने कितना सोचा है और कुछ नहीं, बेसिक चीज आपने सोचा है। आपने क्या किया, डिनोमिनेटर को आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद देखा कि n माइनस पी आ रहा है, तो n माइनस पी से डिवाइड मल्टीप्लाई आपने करा, और डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक फॉर्मेट बन गया, p इज इक्वल टू 1 से n, ये पूरा जो है ncp बन जाएगा, ncp। और ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, देखो ये बन जाएगा सिग्मा m इज इक्वल टू p से n, n माइनस p c m माइनस p, m माइनस p, देखिए ये बन गया, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। Now, इसे आप सिग्मा को ब्रेक करो, जब सिग्मा को आप ब्रेक करते हो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बन जाएगा, रिजल्ट बनना चाहिए, तो इसे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, बस इस वाले को सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए सॉल्व कीजिए, तो n माइनस पी सी जीरो प्लस n माइनस पी सी वन एन माइनस पी सी टू प्लस इस तरीके से वैल्यू जा रहा है हमारा, है ना, और इसकी वैल्यू जो निकल करके आ रही है कहाँ तक आ जा रही है, n माइनस पी सी एन माइनस पी। देखो सफिक्स और प्रेफिक्स हमारा दोनों सेम है और जीरो से स्टार्ट है, तो सीरीज हमारी कंप्लीट है। अब इस कंप्लीट सीरीज में इसका तो आपने रिजल्ट तो सीखा हुआ है, इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, 2 टू द पावर n माइनस p, ठीक है ना, इतना होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहां पे लिख लेंगे। नाउ सिग्मा p इज इक्वल टू 1 से n n c p और 2 पे पावर n माइनस पी। वाह देख लीजिए क्या बढ़िया चीज आपने बना दिया। अब इसको एक्सपैंड कर लीजिए, एक सिग्मा आपने ब्रेक कर लिया, अब जब एक सिग्मा ब्रेक कर लिया तो दूसरे सिग्मा को भी हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। तो जब दूसरे सिग्मा को ब्रेक करोगे तो एन सी वन इंटू 2 पे पावर n माइनस वन एन सी टू 2 पे पावर n माइनस 2 एन सी थ्री 2 पे पावर n माइनस 3 एंड प्लस ये चला जाएगा एन सी
एन तक ये जा रहा है सीरीज हमारे पास, और इस सीरीज को हम लोग लिख लेते हैं कि ये सीरीज कहाँ तक जाएगा, वो वन से स्टार्ट है, एन तक गया है, और टू पे पावर वन तक जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब देखिए, मुझे लगता है कि ये सीरीज कंप्लीट नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये सीरीज जो है हमारा बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। और जब ये जीरो हो जाएगा, और जब ये सीरीज कंप्लीट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जीरो से है तो यहाँ पे वैल्यू एन सी जीरो ऐड करेंगे और टू पे पावर एन लिख देंगे, और यहाँ पे लास्ट में एन सी जीरो टू पे पावर एन सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये वन से स्टार्ट है और एन तक जा रहा है, ये जीरो वाला टर्म नहीं था हमारे पास। तो अब देखो ये बन जाएगा हमारा, ये टर्म जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, अब एक्सपेंशन आपने पढ़ा हुआ है और टू पे पावर एन अगर अगर आप इस तरीके से लेते हो तो इसे आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आप इसे करने के लिए सबसे पहले देखो तो 1 प्लस x टू दी पावर n का एक्सपेंशन लिखिए। अब ये वैल्यू x के प्लेस पे अगर 2 पुट करोगे तो जाहिर सी बात है यही वाला एक्सपेंशन आएगा हमारे पास, तो ये एक्सपेंशन को हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखिए, चलिए क्या करेंगे, 1 प्लस 2 पे पावर n हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास n, और ये हो जाएगा माइनस का 2 पे पावर n। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम लोग जब आते हैं तो ये बन जाता है 3 टू दी पावर n माइनस 2 पे पावर n। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, K1 है हमारा 3 और K2 है 2, तो K1 3 है K2 2 है, तो इसे आप K1 plus K2 is equal to 5। देखो बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ऐसा मत समझ लेना कि क्योंकि ये मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और वैसे लिखा जा रहा है, जिस वजह से आपको लग रहा होगा कि हो सकता है कि सर लेंदी टाइप के क्वेश्चंस करा रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आ सकता है इस बेसिस पे, ऐसे सवाल नहीं आ सकते। तो इस फॉर्मेट के भी क्वेश्चंस हमें करने हैं, और मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन टफ है और क्वेश्चन बड़ा है, क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं। आप देख सकते हैं हमने दोनों को सिर्फ ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद डिनोमिनेटर को ऐड किया तो ये वाले टर्म बने, और ये टर्म है नहीं हमारे पास, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करके हमने कॉम्बिनेशन का रिजल्ट लगाया, एक्सपेंशन लगाया, सिंपल एक्सपेंशन है ये, और ऐसे एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं, काफी ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। उसके बाद ये एक सिग्मा ब्रेक हो गया तो दूसरा सिग्मा बन गया, और जब दूसरा सिग्मा बन गया हमारा तो दूसरे सिग्मा को हमने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिजल्ट देखा तो रिजल्ट हमारे सामने है। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन ज्यादा टफ है या क्वेश्चन लेंदी है या क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आ सकते, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन ही हमें फॉर्मेट बताते हैं कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए और कैसे हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल
नंबर फोर चलते हैं। और देखिए मुझे निकालना है इसमें इनका सम निकालना है। टू पे पावर के है एन सी जीरो जीरो, ये जीरो है, एन सी जीरो एन सी के माइनस ऑल्टरनेट साइन डिक्रीज कर रहा है, ये के माइनस वन है, के माइनस वन इंटू एन सी वन और एन माइनस वन सी के माइनस वन, देखो घटता जा रहा है। प्लस एक टर्म और लिख लेते हैं हम लोग, टू पे पावर के माइनस टू एन सी टू इंटू एन माइनस टू सी के माइनस टू, एंड नौ नेगेटिव साइन आएगा। फिर आगे चल रहा है ये, और आगे का टर्म मुझे पता नहीं है कहाँ तक जा रहा है, इसलिए नेगेटिव वन पे पावर एन एन सी के इंटू एन माइनस वन, एन माइनस वन सी जीरो, सॉरी एन माइनस के सी जीरो, ये इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो मुझे इनका समेशन निकालना है। आंसर देखो मैं लिख देता हूं, इसकी वैल्यू जो है एन सी के है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन एक बार देखिए, एक बार देखिए आप क्वेश्चन को, और क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है या किस तरीके से, किस बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन इस तरीके का, इस पैटर्न का आ गया तो आपको क्या सोचना होगा। तो सबसे पहले देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे क्या, जनरल टर्म निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले जनरल टर्म निकालते हैं, तो देखो तो जनरल टर्म निकालोगे तो टू पे पावर के माइनस आर हमने लिया, आर की वैल्यू अगर जीरो लेते हो तो के आ जाएगा, आर की वैल्यू वन लेते हो तो टू पे पावर के माइनस वन आ जाएगा, तो ये एक सेटिस्फाइड हो गया। अब हम लोग एन सी आर ले लेते हैं और इनटू ये हो जाएगा एन माइनस आर सी के माइनस आर और माइनस वन पे पावर आर, और सिग्मा की वैल्यू आर जो है जीरो से कहाँ तक जाएगा, के तक जाना चाहिए क्योंकि के माइनस के जीरो है, तो टू पे पावर जीरो यहाँ पे टर्म नहीं है हमारे पास, यहाँ पे टू पे पावर जीरो है ना। तो ये देखो जनरल टर्म तुमने निकाल लिया, ये जनरल टर्म। अब इस जनरल टर्म को थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या निकल कर आता। तो ऐसे सवाल अभी अभी हमने किया था, वहां पे क्या था कि डायरेक्ट इस बेसिस पे क्वेश्चन थे तो हमने सॉल्व किया। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को हमने एक्सपेंशन वे में लिख करके दे दिया था। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव भी है, तो थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, इसे एक्सपैंड कर लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो इसको ब्रेक करोगे तो फैक्टोरियल एन एंड फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर का फैक्टोरियल लिख सकते हो, इनटू ये वाली वैल्यू एन माइनस आर, एन माइनस आर और के माइनस आर और एन माइनस, इसमें एन माइनस के आ जाएगा। ठीक है, टू पे पावर के माइनस आर इंटू माइनस वन पे पावर आर। ओके चलिए, कुछ कैंसिल होंगे, कैंसिल हो रही है, जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कीजिए। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, तो जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो के से के कैंसिल हो रहा है और एन माइनस आर आ रहा है, एन माइनस आर। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग,
हम लोग को क्या सोचना चाहिए। ऐसा करते हैं कि फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं। ऐसा करते हैं कि फैक्टोरियल के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर देते हो तो मुझे लगता है कि कुछ बात बन जाएगी। बात ये बनेगी कि फैक्टोरियल एन यहाँ दे रखा है तुम्हारा, ठीक है, और फैक्टोरियल के से अगर मल्टीप्लाई करते हो, फैक्टोरियल के से, मैं इसे थोड़ा इरेज करता हूँ, थोड़ा और सिंपल इसे करते हैं। देखो, अगर फैक्टोरियल के से हम लोग डिवाइड कर दें यहाँ पे, और ये है एन माइनस के वाला टर्म। नाउ सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से के है हमारे पास, जो वेरिएबल है, फैक्टोरियल के, फैक्टोरियल आर और के माइनस आर। देखो तो बड़ा बढ़िया बन गया ये, हम लोगों के पास एक अच्छा सा रिजल्ट बन गया 2 के पावर। हमें तो यही काम करना है, सोचना ऐसा है कि एक रिजल्ट बन जाए। तो देखो तो ये भी एक रिजल्ट बन गया और ये वाला भी एक रिजल्ट बन गया। क्या हो गया? ये हो जाएगा एन सी के, एन सी के, और ये हो गया सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से के, और इस पूरे को तुम लिखोगे के सी आर, एंड एंड 2 पे पावर k माइनस r इंटू -1 पे पावर r। ये r है तो ये वाला भी r है, ठीक है, इतना निकल कर आ गया। इसे थोड़ा हम लोग एक्सपेंशन लिख लेते हैं इसका, और इसका एक्सपेंशन अगर लिखोगे तो ये बन जाएगा एन सी के, जैसा दिया हुआ है वैसा लिख दीजिए। और आप बताइए, देखिए आपको थोड़ा सा याद होगा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक्स प्लस वाई पे पावर एन, इसका जनरल टर्म जो निकालते हो तुम, तो एन सी आर एक्स एन माइनस आर वाई पे पावर आर, ऐसा लिखते हैं हम लोग। देखो जस्ट लाइक उसी तरीके का ये क्या बन रहा है, के सी जीरो, इस पूरे को कुछ इस फॉर्मेट में बन रहा है क्या, कि 2 -1 पे पावर, ये के लिख सकते हैं हम लोग। देखो तो इसका जनरल टर्म यही चीज निकल करके आ जाएगा, के सी आर 2 पे पावर k माइनस आर -1 टू दी पावर r, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस वाले पैटर्न से भी बन जाएगा हमारा। और अगर अगर एन सी के इंटू 1 पे पावर k और एन सी के, और अगर तुम्हें इसे एक्सपेंशन करना है, एक्सपैंड भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। जब हम इसे एक्सपैंड करते तो भी वो रिजल्ट बन जाता। देखो के सी जीरो माइनस, ये 0 है तो 0 हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू आप लिख दीजिए 0, तो 2 पे पावर k माइनस 1 इंटू -1, और ऑल्टरनेट ये इस तरीके से चलता जाता, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो, और जनरल टर्म के फॉर्मेट में जब वो वाला रिजल्ट तुम्हें याद है, तो ये वाला जो एक टर्म आपको एक्सपेंशन करना था, वो आप एक्सपेंशन ना भी करते तो भी आपके पास रिजल्ट बन गया था हमारे पास। तो ये क्वेश्चन एडवांस का क्वेश्चन है। हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये थोड़ा सीखिएगा और बड़ा इत्मीनान से इस क्वेश्चन को हमें करना है, घबराना नहीं है।
देखो थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड मैं बता रहा हूँ, जो मल्टीनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस आते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में या फिर बाइनोमियल थ्योरम में, जो मल्टीनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस होते हैं, हमें मल्टीनोमियल पे जाना नहीं है, हम लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं। इसमें हम लोग शॉर्टकट मेथड थोड़ा सा सीखेंगे और ये शॉर्टकट में क्या करना होगा हमें, तो एक शुरुआत करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन से, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन आया हुआ भी है और इस पैटर्न के क्वेश्चंस काफी बन सकते हैं हमारे पास, आप भी सोच सकते हो। तो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 70, पावर 70 है इन द एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन दे रखा है एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स क्यूब माइनस थ्री, एक्स फोर माइनस फोर एंड एक्स ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसे हमें करना है एक्स पे पावर 70 का एक्सपेंशन निकालना है, एक्स पे पावर कोएफिशिएंट निकालने, कोएफिशिएंट इसकी कोएफिशिएंट क्या होगी। तो देखो इसकी कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकती है, हम लोग कैसे निकालेंगे, हालांकि ये मल्टीनोमियल थ्योरम से निकल जाएगा, लेकिन मैं मल्टीनोमियल थ्योरम को अवॉइड करता हूँ क्योंकि जेई में ज्यादातर मल्टीनोमियल थ्योरम्स के क्वेश्चंस वैसे आते नहीं है, और एडवांस के लिए तो है, एडवांस में तो आते ही हैं, और आते इसमें जो जेई में मल्टीनोमियल थ्योरम के जो क्वेश्चंस आते भी हैं, तो क्वेश्चन मुझे लगता है कि बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीनोमियल थ्योरम को पढ़ने की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, हम लोग इस मेथड से भी छोटे छोटे क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग सोचेंगे कि इस पूरे का पावर एक्स पे पावर थ्रू आउट कितना है, तो आप देखो एक प्लस दो प्लस तीन सारे डिग्री को अगर ऐड करते हो तो ये 12, 13, 2, 6, 78, तो टोटल जो इसकी एक्स की डिग्री होगी थ्रू आउट 78 होगी, लेकिन हमें क्या पूछ रहा है कि ये 70 डिग्री एक्स पे पावर 70 की कोएफिशिएंट कितनी होगी, हो सकता है कुछ भी पूछ सकता है, 60 भी पूछ सकता है, 75 भी पूछ सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो ऐसे में देखो हम लोग ऐसा करते हैं कि 70 डिग्री वाले टर्म को एक ब्रैकेट में लिखते हैं, तो वैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो हम लोग 8 लिख दिया इसे, और एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू, इस तरीके से एक्स पे पावर 12 माइनस 12 लिख दिया। देखो एक्स टू दी पावर 8 माइनस 8 इस ब्रैकेट के अंदर में एब्सेंट है, नहीं है, तो ये टोटल का टोटल जो होगा डिग्री जो बनेगी एक्स टू दी पावर कितनी बन जाएगी, 70 बन जाएगी अंदर वाली डिग्री। और जब ये डिग्री 70 बन जाएगी, क्योंकि 8 को तो हमने बाहर रखा हुआ है, तो 70 को डिग्री को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 से, तो कोएफिशिएंट हमारी क्या होगी, माइनस 8 होगी। समझिए हमने क्या किया कि एक्स टू दी पावर 70 वाले डिग्री को ब्रैकेट के अंदर में रख लिया है और बाकी के टर्म को बाहर रखा है, एक्स टू दी,
पावर एट माइनस एट इस ब्रैकेट के अंदर में नहीं है। तो हम लोग चलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 70 अगर लिखना हो तो। अब ये तो एक था, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर इसे ऐसा लिख दे एक्स माइनस वन और एक्स पे पावर 7 माइनस 7, तो देखो ये अंदर में क्या बन जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बन जाएगा और एक्स माइनस 3 क्यूब के साथ, और ये इस तरीके से एक्स पे पावर 12 माइनस 12 हो जाएगा। देख लो, बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये अंदर में कितनी डिग्री बन रही है, एक्स टू दी पावर 70 डिग्री बन रही है, और उसकी कोएफिशिएंट कितनी हो जाएगी, ये बन जाएगी 7, ठीक है, प्लस का 7 बननी चाहिए। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 6 इस तरीके से काउंट करते रहो, और ये अंदर में ब्रैकेट लिख दिया तो प्लस का 12 हो जाएगा, एक्स पे पावर 3 और एक्स टू दी पावर 5 माइनस 5, तो ये अब कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा ये। एंड नाउ एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4 करोगे तो यहाँ पे तो एक ही टर्म दिए हुए हैं, यहाँ पे तो एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4 एक ही टर्म है, तो इसको हम लोग डबलेट्स लिख नहीं सकते। तो अब ट्रिपलेट्स में देखते हैं कि पावर का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 1 2 और 5 बन सकता है, है ना, 1 2 एंड 5 बन सकता है, और 1 3 4 बन सकता है, ये बन सकते हैं, और अब इसके आगे कुछ नहीं बनेगा, आप देख सकते हैं। तो 1 2 5 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1, एक्स स्क्वेर माइनस 2, एक्स पे पावर 5 माइनस 5, और ये है ब्रैकेट, तो 5 2 10, और ये पॉजिटिव का 10 निकल कर आ जाएगा हमारे पास, है ना, और ये नेगेटिव, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का 10। अब आ जाइए एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 3 और एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4, और ये अंदर में जो टर्म रिमेनिंग टर्म्स बचेंगे उसको लिखेंगे, और 4 3 12 नेगेटिव का 12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अब आप बोलोगे कि सर 3 टर्म का तो लिख लिया, 4 टर्म का लिखेंगे, तो 4 टर्म आप करके देख सकते हो, कोई सा भी टर्म नहीं बनेगा। अगर 1 लेते हो, 2 लेते हो, 3 लेते हो, तो 3 और 2 5 और 1 6 हो गया, तो फिर 2 आ जाएगा, तो फिर रिपीटेशन हो रहा, और रिपीटेशन यहाँ पे कोई से भी मल्टीप्लीकेशन में नहीं दिया हुआ है। तो अब कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 70 इन द एक्सपेंशन कितना बन जाएगा तुम्हारा, वो बन जाएगा, आप काउंट कर लीजिए टोटल, तो 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा टोटल 4 बच जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, मल्टीनोमियल के का कॉन्सेप्ट हमने नहीं लगाया, हमने बाइनोमियल से ही इसको सॉल्व कर लिया और देख लिया हमने। देखा आपने क्या मैंने किया कि 78 टोटल डिग्री बन रहे थे, तो हमने क्या किया, ब्रैकेट को लिया और 2 ब्रैकेट में हमने 70 वाले डिग्री को एक साथ लिखा, और विदाउट जो बच गए डिग्री उनको हमने बाहर लिख लिया। अब जो इनको मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो x टू दी पावर 70 इंटू माइनस 8 आप करेंगे ही करेंगे, तो वो निकल कर आ गया 1 2 3 4 5 6 और
आपने सभी को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिल गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, जेई का क्वेश्चन है जो लिखते हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा लैम्डा इफ इफ ये दे रखा है कि सिग्मा के की वैल्यू 1 से ये 5 तक है और 20 सी 2 के माइनस 1 पे होल पावर 6 इज इक्वल टू 2 पे पावर लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं उसके बाद कुछ इस पे सोचते हैं। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये और मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा टफ क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक तो है। एक बार क्वेश्चन आप देखिए, एक बार क्वेश्चन देखिए, कुछ ना कुछ तो माइंड में आएगा ही। और मुझे लगता है कि ये आपको करना भी चाहिए। अम्बरीश बताओ यार कि ये क्या कैसे होगा, इसको किस तरीके से किया जाएगा, और कमेंट में बताओ मुझे। देखो चलते हैं, करते हैं। ऐसे क्या सोचा जा सकता है, पहले तो हम लोग सिग्मा रिमूव करते हैं, 20 सी के की वैल्यू 1 दोगे तो यहां पे 1 आ जाएगा प्लस 20 सी 3 प्लस 25 इस तरीके से जा रहा है और ये बनेगा 20 सी 5 तक लिखोगे, 5 तक लिख ही लेते हैं हम लोग, लेकिन चलो मैंने लिख दिया इतना 9 तक हो जाएगा ये। देखो ये कुछ बन नहीं रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। तो क्या किया जाएगा इसमें, मैं ऐसा करता हूं कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से इच टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो देखो तो ये टर्म जो बन गए 2 टर्म बन गए, ये टर्म जो बने ये भी 2 टर्म बन गए, ये भी 2 टर्म बन गए और ये वाले भी 2 टर्म बन चुके हैं। अब हम लोग करते क्या है कि 1/2 लिखने के बाद इस वाले टर्म को 20C1 प्लस 20C19 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है इसे। सिमिलरली 20C3 प्लस 20C17 लिख सकते हैं हम, प्लस 20C5 प्लस
ट्वेंटी सी 15 भी लिख सकते हैं, और ऐसा लास्ट जो टर्म होगा वो 20C9 प्लस 20C11। तो देखो बड़ा ही अच्छा और एक सीरीज बन गया हमारे पास, 20C1 प्लस 20C3 प्लस 20C5, ये जा रहा है कहां तक, 20C20 तक। 20 तक तो नहीं जाएगा, 19 तक जाएगा। चलिए अब बताइए तो इन पूरे को क्या लिख सकते हैं हम लोग। तो ये जो बन गया 1.2 इंटू 2 पे पावर 19, यही होता है। इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं। अब इसे आप लिख दीजिए 2 पे पावर 18, और इस पे पावर कितना है, 6 है। तो ये बन गया 2 पे पावर 108, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 3 डिजिट नंबर 108। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपने क्या देखा, आपने ये देखा, इसमें ऑब्जर्वेशन क्या आपने किया, हमने ऑब्जर्वेशन ये किया कि जो टर्म है 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, एन सी जीरो, एन सी वन एक्स, एन सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता है। अब देखो यहाँ पे अगर x के प्लेस पे 1 पुट करते हो तो 2 पे पावर n, c0 c1 ओनली c2 प्लस c3, इस तरीके से टर्म चलता है। और 0 अगर पुट करते हो तो c0 माइनस c1 प्लस c2 माइनस, इस तरीके से चलता है। अब इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो 2 पे पावर n माइनस 1, इसकी वैल्यू जो निकल कर आती है वो वैल्यू आती है C0 प्लस C2, इस तरीके का गैप जो आपने पढ़ा हुआ था, जो मैंने बताया भी था, C1 प्लस C3 प्लस C5, इस तरीके का सिस्टम चलता है हमारे पास। तो देखो ये C1 C3 C5 ये कहाँ तक जाना चाहिए, ये n का हाफ होना चाहिए, टर्म का हाफ होना चाहिए। तो आपने देखा है यहाँ पे सारा वैल्यू निकाल करके 5 है तो 10 होने चाहिए, और यहाँ पे 10 नंबर्स आ भी गए हैं टोटल, जिससे आपने रिजल्ट निकाल दिया। यहाँ पे सिर्फ 5 ही नंबर्स थे, है ना। चलते इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन में अगर ऐसा बोलता हो, क्वेश्चन हमारा सेम है, इस क्वेश्चन में हम लोग अगर ऐसा क्वेश्चन में हो कि इट इज डिविजिबल बाय 11 देन फाइंड द रिमाइंडर, इट इज डिविजिबल बाय 7 फाइंड रिमाइंडर, तो आप रिमाइंडर कैसे निकालोगे। क्वेश्चन सेम है हमारा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमने चेंज कर दिया है, क्वेश्चन क्या चेंज कर दिया लिख लेते हैं हम लोग। इफ इट इज डिविजिबल बाय 11 फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या हो, ठीक है, तो सोचिए। देखिए अब तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ना ये, इसकी वैल्यू तो तुमने निकाल दिया, 2 पे पावर कितना हो गया 108, वेरी सिंपल हो गया। अब 11 का कहां तक आएगा, इसका पावर सबसे नियरेस्ट पावर जो होगा 32 होना चाहिए,
और 32 जब होगा तो ये 2 पे पावर 5 होना चाहिए, और 2 पे पावर 5 का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा 21 इंटू 2 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 11। अगर 11 से इसको डिवाइड करना हो तो इतना लिख सकते हैं हम लोग। और इस वाले को 8 इंटू आप लिख सकते हैं 33 माइनस 1 पे 21 डिवाइडेड बाई 11। और आगे आप चलिए इसको एक्सपैंड कीजिएगा, देखो थोड़ा इसको एक्सपैंड करोगे तो ये जितने भी टर्म आएंगे वो सारे टर्म 11 से डिविजिबल होगा, लेकिन लास्ट वाला जो टर्म आता है, आप एक्सपेंशन याद करो, जब इसका लास्ट एक्सपेंशन होगा तो वो क्या होता है, 1 होता है ना, तो वो वाला टर्म डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 33 के इज द डिविजिबल ऑफ 11। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक टर्म आ जाएगा हमारे पास, एक टर्म बचेगा। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 3 से अंदर में माइनस और प्लस कर देते हैं, तो 833 के इसे हम लोग ब्रैकेट को हटा देते हैं, इस वाले ब्रैकेट को ब्रैकेट को आप हटा दीजिए, तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा, और माइनस 8 तो माइनस 3 कर दीजिए और प्लस 3 कर दीजिए। अब बताओ ये तो पूरा ही 11 हो गया, तो बच गया रिमाइंडर हमारे पास क्या, इंटीजर हो जाएगा ये, क्योंकि ये तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3/11। तो ये देखो बड़ा ही स्मार्ट क्वेश्चन हमने सेट कर दिया। क्वेश्चन ये जेई में ऐसा आया था कि ये लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी में आ जाए, थोड़ा सा आगे अगर हम लोग चलते हैं, तो इसको अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये इफ इट इज डिविजिबल बाय 11 देन फाइंड द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इसका कितना होगा, तो रिमाइंडर आपका निकल कर आ गया 3/11। ये रिमाइंडर निकल कर आ गया हमारे पास। अब एक कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैं बताता हूं, थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस मेनली एडवांस में ज्यादातर आते हैं, और जेई मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जितना भी हमने सीखा है कोएफिशिएंट के बारे में, उसी के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते। तो एन सी जीरो पे स्क्वायर है, एन सी वन का स्क्वायर है, एन सी टू पे स्क्वायर है, और ये आगे चलता है एन सी एन पे होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 2NCn। कैसे होती है, थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखो इसे हम लोग लिख सकते हैं NC0NCn, क्योंकि NC0 ये रिजल्ट होता है NCrNCn-r होता है, इतना तो जानते ही हम लोग। यहाँ पे हम लोग इसे इस बेसिस पे लिख सकते हैं, प्लस NC1NCn-1 लिखा जा सकता है। आगे चलिए NC2NCn-2 आप लिख सकते हो। आगे अगर चलेंगे तो NCn और NC0 लिख सकते हो। देखो आर्गुमेंट हमारा, आर्गुमेंट मतलब प्रीफिक्स हमारा, ये n और ये जीरो, ये देखो हर जगह पे कांस्टेंट आ रहा है हमारा, ये हर जगह पे वैल्यू अगर ऐड करते हो तो वैल्यू हमारी कांस्टेंट आ रही है, और वो वैल्यू आ रही है कितनी,
इन। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन है, इसको हम लोग लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इन द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हम लोग एक बार इसका लेंगे और एक बार इसका लेंगे, एक्सपेंशन 1 प्लस x टू द पावर n एंड 1 प्लस x टू द पावर n, दोनों का एक्सपेंशन हमने ले लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए तो ये टर्म लिखना पड़ेगा हमें, और इसको 1 प्लस x टू द पावर 2n लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो देखो कोएफिशिएंट ही तो निकालनी है हमें, बहुत ज्यादा कुछ तो करना नहीं है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इन द एक्सपेंशन 1 प्लस x टू द पावर 2n इज 2nCn, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये रिजल्ट हो गया जो हमें रिजल्ट की तरह याद रखना है। इस रिजल्ट को हमें याद रखना है कि अगर कोई भी टर्म ऐसा होगा, मल्टीप्लीकेशन के टर्म में होंगे, NC0 का स्क्वायर, NC1 का स्क्वायर, NC2 का स्क्वायर, NCn का स्क्वायर, तो हम लोग इसे याद रखेंगे। अब इसे हमने किया कैसे, NC0 को NC0 के स्क्वायर को NC0 इंटू NC0 लिखा हमने, और NC0 NCn लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट हमारे पास बनता है NCr NCn-r निकल कर आता है। तो इस तरीके से हमने सारे टर्म को किए, और करने के बाद देखो आर्गुमेंट हमें देखना जरूरी है कि ये आर्गुमेंट हमारा 0 और n है। यहाँ आर्गुमेंट 1 है, 1-n है, यहाँ आर्गुमेंट 2 है, n-2 है, यहाँ आर्गुमेंट n-2। तो इन सभी का जो सम आ रहा है वो सम इज इक्वल टू कांस्टेंट आना चाहिए। सम या डिफरेंस, याद रखोगे जो टॉपिक चलेगा उसमें सम और डिफरेंस हमारा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, जबकि यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है। तो जब ये कांस्टेंट आ रहा है तो हमने क्या किया कि वो कांस्टेंट को उसी की कोएफिशिएंट निकाल दिया हमने, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इन द एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पे दो एक्सपेंशन दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये है। आप इसे ब्रेक करके भी देख सकते हो, इसको जब आप ब्रेक करोगे देख लो, क्योंकि सीख रहे हो तो थोड़ा सा इसे आप कर लीजिए, NC0 NC1x NC2x2, इस तरीके का अगर आप लिखते हो इनटू, और यहाँ पे है NC0 NC1 NC2 और x के साथ ऐसा लिया है हमने, तो देखिए तो NC0 है और ये NC0 है ना। तो हम लोग इस वाले को अगर इंटरचेंज कर दें x+1 पे पावर n, तो रिजल्ट में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये वाला जो रिजल्ट बन जाएगा वो एक्सपेंशन बन जाएगा ये n, और ये वाला हो जाएगा n-1, ये हो जाएगा n-2, और यहाँ पे आ जाएगा NCn, है ना। तो आप देख सकते हो कि इसको जब इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x टू द पावर n आ रहा है ना। NC1 को NC1 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो x टू द पावर n की कोएफिशिएंट आ रही है। तो ये क्या बन रहा है, C0 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर, C3 का स्क्वायर इज गोइंग ऑन प्लस CN का स्क्वायर इज इक्वल टू 2NCn, ठीक है। अब एक और रिजल्ट है जो अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव के साथ आता है,
यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, तो उसे इतने जल्दी में नहीं हो सकता है, उसे कल मैं डिस्कस करूंगा और इस पे कुछ क्वेश्चंस करके इसे खत्म करेंगे और कुछ कॉन्सेप्शन एंड मिसकॉन्सेप्शन के लिमिट के क्वेश्चंस इसके बाद करेंगे हम लोग, के लिमिट में आप कॉन्सेप्ट किस तरीके से जानते हैं और कैसे क्वेश्चन, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्रैश कोर्स है, तो जल्दी जल्दी हमें वैसे टॉपिक को डिस्कस करना है जिस टॉपिक में क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं और कंफर्म क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम लोग आज यहीं पे डिस्कस खत्म करते हैं और आप लोग कुछ कीजिएगा इस पैटर्न पे क्वेश्चंस वगैरह, फिर कल आगे हम लोग करेंगे। चलिए, ओके, बाय।